أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء الكرام، محترم حاضرين، محترم خواتین، میری ماں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے جامعۃ الہدیٰ میں یہاں حاضری نئی نہیں ہے، پہلے بھی حاضر ہوا ہوں، لیکن آج جس بڑے پیمانے پر یہاں اجتماع ہوا ہے، یہ میرے لیے اور زیادہ باعث مسرت ہے، اور خاص طور سے اس وجہ سے بھی کہ یہ سنت کانفرنس ہے، سنت کی کانفرنس ہے، سنت کانفرنس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مردہ ہو رہی ہیں، ان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص میری سنت کو زندہ کرے گا، اس دور میں جب کہ میرے امت میں بگاڑ پھیلا ہوا ہو، تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا. الحمدللہ برطانیہ میں، یوکے میں مسلمانوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے،
एक वो दौर भी था यही जिसके बारे में हमें अब से तकरीबन 40-45 साल पहले जामिया दारुल उलूम कराची में तबलीग के हजरात तशरीफ लाए और उन्होंने यहाँ अपने काम के आगाज की कुछ तफसीलात बताई। उस सबक आमों से उन्होंने एक बात ये कही थी कि यहाँ बरतानिया में जब हमने काम शुरू किया है तो कोई मस्जिद का तो कोई सवाल ही नहीं था, न कोई मस्जिद थी न मदरसा थी, मुसलमान ही बहुत गिने चुने थे। काम शुरू किया तो तबलीग के हजरात कहाँ थे, मस्जिद भी ठहरने की मस्जिद भी नहीं थी। तो एक रात का वाक्य उन्होंने सुनाया कि यूँ तो हम दूसरे शहरों में जाते थे तो रात का वक्त जब होता था तो गिरजाघरों में हम उनसे इजाज़त ले लेते थे कि हम रात गुजार लें, वो बेचारे हमें इजाज़त दे देते थे। लेकिन एक जगह हम पहुँचे तो वहाँ गिरजा के जिम्मेदार हजरात ने इजाज़त नहीं दी। सब सर्दी थी और बर्फबारी हो रही थी, रात हो गई, समझ में न आया कि कहाँ रात गुजारी। तो हमने अपना वाक्य नहीं सुना रहे थे, अपने पिछले साथियों को सुना रहे कि उन्होंने ये देखा कि कुछ कुछ फासले पर टेलीफोन बूथ थे, तो टेलीफोन बूथों के अंदर खड़े होकर या बैठ कर उन्होंने रात ये मेहनत उस बेसरो सामान्य में की गई। आज उसका समारात अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बरतानिया में नजर आ रहे हैं। इखलास के साथ जो कोशिश और मेहनत की जाती है कभी रायगा नहीं जाती, कभी उसका असर फौरन जाहिर होता है, कभी देर में जाहिर, कभी वही जाहिर होता है जहां मेहनत की जाती है, कहीं कभी कहीं और जाहिर होता है। ग़ज़वा अहज़ाब में जब सहाबा किराम की जमातें फासले फासले से खंदक खोदने पर लगी हुई थी, सहाबा किराम भूखे और प्यासे उस खंदक की खुदाई कर रहे थे, मदीना तैयबा पर जो लोग हमला आवर हुए थे तो कबाइल मुतैद होकर मदीना तैयबा की ईंट बजाने के लिए आए थे, उनके हमले से बचाने के लिए मदीना तैयबा के बाहर खंदक खोदी गई थी, खोदी जा रही थी, दिन रात खोदने में लगे हुए थे, भूखे भी थे प्यासे भी थे। एक मौके पर सहाबा-ए-किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, कई वक्तों से फाका है, कुछ खाने को खाने का खा नहीं सके, ये पेट पर मैंने हमने पत्थर बांधे हुए हैं ताकि कमर सीधी रहे और हम खुदाई का काम जारी रख सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक हटाई और दिखाया कि मेरे पेट पर दो पत्थर बने हुए। इन हालात में खंदक खोदी जा रही, दस दस सहाबा किराम की या कुछ और तादाद की जमात बना रखी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहाँ से वो खोदते थे फिर वहाँ से वो खोदते थे, तकसीम कर रखा था काम, इससे तकसीम कर दिए थे कि इतना हिस्सा ये जमात को देंगी, इतना हिस्सा ये जमात। एक हिस्से के में एक ऐसा किस्सा पेश आया कि वहाँ एक बहुत बड़ी चट्टान आ गई, पत्थर की सख्त चट्टान और सख्त भी इतनी कि सहाबा-ए-किराम दस के दस सहाबा-ए-किराम ने कोशिश कर ली खुदा ने मार मार कर
टूटती नहीं कि तस्य मजनी हो रही। परेशान होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए, वो माँ बाप और मर्जा थे साहब करा, जब कोई परेशानी पेश आती थी उन्हीं के पास पहुँचते चौरदार से बल्ला करते थे। आपने फरमाया मुझे ले चलो, आप तशरीफ ले गए। आपने वहाँ तीन कुदाने मारी हैं उस चट्टान पर, और तीन कुदानों में वो चट्टान टुकड़े हो गए, लेकिन जितनी मर्तबा कुदाल मारी उतनी मर्तबा आपको कुछ मनाजिर दिखाई गए। और फरमाया कि मैंने जब एक कुदाल मारी तो मुझे बहरैन के खजाने दिखाए गए, एक कुदाल मारी तो कैसर के महलात के कुंगरे दिखाए गए, एक कुदाल मारी तो किसरा के महलात के कुंगरे दिखाए गए। कैसर और किसरा उस वक्त की सुपर ताकत थी, दुनिया की दो ही बड़ी ताकत थी। क्या ताल्लुक था इन तीन कुदालों का कैसर और किसरा और बहरैन से, क्या था ताल्लुक? यही था कि कुदाले यहां मारी जा रही थी, इन कुदालों का असर वहां 30 साल के बाद जाहिर होने वाला था, जाहिर हुआ। कैसर और किसरा फतह हुई, इस्लाम वहां फैला, वहां के अवाम ने इस्लाम के अदल इंसाफ और सहाबा कराम की अजमत किरदार की वजह से जहां जहां सहाबा कराम के काफले पहुंचते थे बेशतर मकामात पर खुद वहीं के बाशिंदे शहर के शहरपनाह के दरवाजे खोल देते थे, क्योंकि वह अपने बादशाहों से आजिज आए हुए थे, उनको दिल में सतम से इस्लाम तरीके से। तो बाद औकात कोशिश एक जगह की है, असरात दूसरी जगह जाहिर होते, कभी एक वक्त की जाती है असरात किसी और वक्त में जाहिर होते, यह कोशिशें बरतानिया के लिए अब तक 30-40-45 साल पहले शुरू हुई थी, आज उसके असरात लेकिन अलमनाक सूरत हाल बल्कि तशवीशनाक भी और शर्मनाक भी ये है कि तादाद तो अल्लाह के फजल व करम से यहां मुसलमानों की बढ़ रही है, लेकिन तफरका भी रोज बरोज बढ़ता ही नजर आता है, इंतशार और फूट मुसलमानों में नजर आती है। और ये सब इख्तलाफात अफसोस की बात यह कि मजहब के नाम पर होते हैं, दीन के नाम पर होते हैं। कहीं झगड़ा चांद के मसले में है, ईद के मसले में है, ईदें तीन तीन होती हैं, गैर मुस्लिम तमाशा देखते हैं, इस्लाम का मजाक होता है, इस्लाम बदनाम होता है। कहीं मुकल्लिद गैर मुकल्लिद के झगड़े हैं, कहीं त्योबंदी बरेलवी के निजात हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें ये झगड़े नहीं सिखाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ने तो हमें यह नहीं बतलाया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ने तो हमें यह दिखाया था कि बैतुल्लाह शरीफ की तामीर में जब आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौजवानी का जमाना था तो उस तामीर के वक्त में अहले मक्का के पास हलाल पैसे कम हो गए, जिसको बाद को हलाल समझते, तो बैतुल्लाह शरीफ की तामीर पूरी न कर सके, लंबाई में भी कमी कर दी, ऊंचाई में भी कमी कर दी।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के बाद एक मौके पर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा को बतलाया कि देखो ये जो हतीम का हिस्सा है बैतुल्ला शरीफ के साथ जो हतीम, ये नजरात ने वहां की जियारत की, वो जानते ही नहीं। तो फरमाया कि इसमें यहां से इतने हाथ की जो जगह है 6 या 7 हाथ बतलाए। बैतुल्ला शरीफ यहां तक था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने का बैतुल्ला शरीफ यहां तक था, लेकिन कुरैश मक्का ने, कुफ्फार मक्का ने जब तामीर की तो इसकी तामीर को लंबाई में छोटा कर दिया और ऊंचाई में भी कम कर दी। अगर तेरी कौम यानी कुरैश के लोग और अरब के लोग, अगर तेरी कौम 9 मुस्लिम न होती कि ये नए नए मुसलमान हुए हैं, इस्लाम में अभी दाखिल हुए, अभी दीन इनके दिलों में ऐसा पक्का और रासिख नहीं हुआ कि वो अदना इख्तिलाफ को बर्दाश्त कर सके, खतरा है कि लोगों के ईमान खराब हो जाएंगे। तो फरमाया कि अगर मुझे ये खौफ न होता कि तेरी कौम नई नई मुसलमान हुई है, इनके अंदर फूट पड़ जाएगी मुसलमानों में, अगर फूट पड़ने का खौफ न होता तो मैं इस तामीर बैतुल्ला को मुकम्मल करता और इसकी लंबाई पूरी करता, ऊंचाई भी पूरी करता। क्या मतलब था कि मुझे अंदेशा इस बात का है कि चूंकि ये लोग अभी यहाँ के अरब लोग हैं, नए नए मुसलमान हुए हैं, इनको बैतुल्ला के पत्थरों से इश्क है, आबाओ अजदाद के जमाने से ये इसकी इबादत करते चले आए हैं, तो खतरा था कि कहीं मुसलमानों में फूट न पड़ जाए, इस वास्ते आपने बैतुल्ला शरीफ को नामुकम्मल छोड़ा और आज तक भी नामुकम्मल ही चला रहा है। बैतुल्ला का क्या मतलब है? पूरी दुनिया के मुसलमानों का किबला, क्यामत तक के लिए किबला, मस्जिद हज का, हज जहां होता है, हज का महबल, वो उसको नामुकम्मल छोड़ दिया उम्मत में फूट पड़ने के खौफ से कि कहीं उम्मत में फूट न पड़ जाए। आज हमारे यहां 1.5 इंच की मस्जिद पर झगड़े होते हैं और मैं सिर्फ यहीं की बात नहीं कह रहा, अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में भी हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है, अफसोसनाक। क्या दुनिया की कोई मस्जिद बैतुल्ला से बड़ी बढ़कर मस्जिद हो सकती है? लेकिन उसके तामीर को तो आपने मुसलमानों की फूट से बचने के लिए नामुकम्मल छोड़ दिया। तो आज हम एक एक मस्जिद की बुनियाद पर लड़ाइयां झगड़े कर रहे हैं और पाकिस्तान में तो ये बहुत ही हो रहा है, यहां भी इस किस्म के वाकयात पेश आते हैं। एक अफसोसनाक बात है, अगर देखा जाए तो गौर देखना, जितना गौर करते हैं ये मालूम होता है कि शरीयत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने, आपकी सुन्नत ने बड़े से बड़े गुनाहों को तो बर्दाश्त कर लिया किसी न किसी मरहले में, किसी न किसी दर्जे में, किसी न किसी हद तक, लेकिन मुसलमानों में फूट को किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया। शराब कितनी सख्त हराम है, खंजीर का गोश्त कितना सख्त हराम है, लेकिन अगर कोई शख्स इतना भूखा है कि अगर नहीं खाएगा खंजीर का गोश्त है, उसके अलावा कोई और खाने की चीज नहीं, अगर नहीं खाएगा तो मर जाएगा, तो ऐसी सूरत में खंजीर का गोश्त भी खाने की इजाजत है। प्यासा ऐसा है कि मर जाएगा अगर नहीं पिएगा शराब, शराब है पानी मौजूद है, इस हद तक पीने की गुंजाइश है कि जान बच जाए।
लेकिन मुसलमानों में इफ्तराक फैलाने की इजाजत नहीं है। किसी हालत में मुसलमानों के दरमियान फूट डालने की इजाजत नहीं, और आज सबसे ज्यादा फूट दीन के नाम पर ही हो रही है, इस्लामी के नाम पर हो रही है। ये सीरत कॉन्फ्रेंस है, मैं इस कॉन्फ्रेंस को चाहता हूं, मेरी दुआ है, और मैंने अपने भाइयों से अर्ज भी किया है, इस कॉन्फ्रेंस को इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का पैगाम बनाना चाहिए। आज कितने मुसलमान यहां हैं, लेकिन कितने फिरकों में बटे हुए हैं, हालांकि हमारा दीन एक है, मनफियत एक है, इस कौम की नुकसान भी एक, एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक, फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। आज आलम कुफर इस्लाम का दुश्मन बना हुआ है, मुसलमानों का दुश्मन बन रहा है, अलल ऐलान कुरान करीम को जलाया जा रहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेहुर्मती की जा रही है, और हम आपस में इसमें झगड़े में पड़ रहे हैं कि फातिहा खल्फुल इमाम करें या ना करें। लंदन में मेरे दो मस्जिद में बयान हुए, तो एक में कुछ वक्फा सवाल जवाब का हो गया, तो बेचारे नौजवानों ने चुपके चुपके से आकर मुझसे सवाल किया। एक नौजवान ने आकर पूछा कि हज़रत बता दीजिए कि नमाज में फातिहा पढ़े या ना पढ़े। दूसरे ने पूछा कि रफी अदैन करें या ना करें। एक मौलवी साहब कहते हैं कि रफी अदैन करना गुनाह है, दूसरे कहते हैं कि जरूर करो। इस कस्म के झगड़ों के अंदर हमारी नई नस्ल को मुबतला कर दिया गया है, और जो असल काम करने का था कि यहाँ दीन को फैलाएं, फिरकों का ना फैलाएं, होता ही हो गया क्या है, दीन तो रह गया पीछे, फिरके आ गए आगे, मसलक आगे आ गए, मसलक देवबंद, मसलक बरेली, मसलक गैर मुखल्लिद, मसलक फला, मसलक फला, मसलक आगे आगे, दीन पीछे रह गया। हालांकि कुरान करीम में मसलक का कहीं जिक्र नहीं है, कुरान ने तो दीन कहा इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, और कुरान करीम ने फरमाया कि हुआ सम्माकुम मुस्लिमीन, तुम्हारा नाम इस्लाम अल्लाह ताला ने बरेलवी और देवबंदी नहीं रखा, मुकल्लिद गैर मुकल्लिद नहीं रखा, शिया सुन्नी नहीं रखा, तुम्हारा नाम रखा है मुस्लिमीन, हुआ सम्माकुम मुस्लिमीन, तुम्हारा नाम मुसलमान है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह देवबंद का रहने वाला हूं, मेरी पैदाइश देवबंद की, मेरा आबा और दाद सदियों से देवबंदी के बासी थे। मैंने इब्तदाई तालीम ली कुरान करीम पर, दरअफारे भी मैंने दारुल उलूम देवबंद में ही पढ़ी जब पाकिस्तान बना, और हिजरत करके जब हम आए हैं तो मेरी उम्र का 12 साल था, तो मैं देवबंदी इस माना के एतबार से भी था कि देवबंद मेरा वतन, चुनाची इसी माना के एतबार से मैं अपने नाम के साथ देवबंदी लिखा करता था, मोहम्मद रफी देवबंदी। और तारीख इलमी के जमाने में जरा शौक होता है तो अपने लेटर हेड भी छुपा लिया था अपने नाम का, मोहम्मद रफी देवबंदी। वालिद साहब मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह, तफसीर मारिफुल कुरान के मुसन्निफ, दारुलूम कराची के बानी, उन्होंने तालिबानी के जमाने में तो कुछ ध्यान नहीं दिया इस तरह। जब मेरे जिम्मे सबक किए, दारुल उलूम के असबाब पढ़ाने शुरू किए, तो मुझसे फरमाया कि देखो आइंदा अपने नाम के साथ देवबंदी मत लिखा करो, आप तुमने गौर से सुना ये बात, क्या फरमाया, अपने नाम के साथ देवबंदी मत लिखा करो, क्योंकि इससे फिर कबारियत की बू आती है। हालांकि मैं देवबंदी अगर अपने आप को लिखता तो इस लिहाज से ठीक था कि मैं रहने वाला देवबंद था, लेकिन क्योंकि देवबंदी का लफ्ज आजकल एक इस
समझ लिया गया है और लोगों का जहन ये बन गया है कि देवबंदी कोई अलग फिरका है। हजरत वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह बार बार फरमाया करते थे कि देवबंद अलग से कोई फिरका नहीं है, देवबंद कोई फिरका नहीं है, देवबंद मसलक के देवबंद नाम है अहले सुन्नत वल जमात के अकाइद पर अमल करने वालों का। मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हजरत मौलाना मोहम्मद यासीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल उलूम देवबंद के हम उम्र थे और हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के हम सबक थे, वो फरमाया करते थे कि मैंने दारुल उलूम देवबंद का वो दौर देखा है जब यहां के सदर और मोहतमिम से लेकर चपरासी और दरबान तक सब साहिब निस्बत वलीउल्लाह होते थे। दिन में देवबंद दारुल उलूम देवबंद दसगाह होती थी, रात को खानकाह बन जाती थी, रो रो कर दुआ करने वाले तलबा की आवाजें आती थी कब्रों से, ये औलिया अल्लाह थे, छोटी से छोटी सुन्नत पर अमल करने के आदि थे, दिलदादा थे। सलाम सलाम करना सुन्नत मुअक्कदा है, सलाम में पहल करना और जवाब देना वाजिब है, लेकिन सलाम में पहल करने का सवाब ज्यादा है, हालांकि वो सुन्नत मुअक्कदा आमतौर से जवाब का सवाब वाजिब का सवाब कम होता है, ज्यादा होता है, सुन्नत का सवाब कम होता है सुन्नत मुअक्कदा। लेकिन ये मसला तलबा पूछा करते हैं पहली के तौर पर कि वह ऐसी कौन सी सुन्नत है जिसका सवाब वाजिब से भी ज्यादा है, वो यही है सवाल में सलाम में पहल करना। हजरत शेखुल अदब मौलाना एजाज अली साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का खास उस्ताद थे और उनसे अक्सर किताबें वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह अक्सर उन्हीं से पढ़ी थी। मैंने भी बार बार अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जियारत की है और उनके पास बार कई मरतबा वालिद साहब ने कोई पैगाम देकर भेजा कि मैं हाजिर हूं। उनके बारे में ये बात मारूफ थी कि उनको सलाम करने में कोई पहल नहीं कर सकता, इब्तदा भी सलाम नहीं कर सकता। तलबा अपने कमरों से निकलते थे, दरगाहों से निकलते थे कि आज उस्ताद की तरफ जाएंगे, रास्ते में वो मिलेंगे तो हम सलाम पहले करेंगे उनसे, मगर तालिबे इल्म तो इरादा ही कर रहा होता था वो सलाम अलैकुम कर देते। ये आज उस्ताद इंतजार करता है कि शागिर्द मुझे सलाम करे, अफसर इंतजार करता है कि मातहत उसको सलाम करे, बाप इंतजार करता है कि बच्चा उसको सलाम करे, नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो छोटों को भी सलाम करते थे, बड़ों को भी सलाम करते थे। तो ये छोटी छोटी सुन्नतें हैं, लेकिन साहबे हमारे दारुल उलूम देवबंद के असातिज़ा ने बुजुर्गों ने सुन्नतों को जिंदा किया। हैरत होगी कि एक हज्जाम था हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहता था, बाल उनके बनाता था, उसमें गंगो छोटा सा कस्बा है तो वो हज्जाम का पेशा था, उसका बाल भी बनाता था और हजरत से वो बैत भी था हज्जाम। वो सहारनपुर उसका जाना हुआ, हजरत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े जलील उल कदर मुहद्दिस थे, उनको सुनन अबू दाऊद जो मशहूर किताब है हदीस की उसकी जबरदस्त शरह अरबी में उन्होंने लिखी है, कई जिल्दों में छपी है। तो उनकी खिदमत में हाजिरी हुई तो उसने सोचा कि एक मसला पूछ लूं, और कुछ पूछा कि हजरत मुझे वो तफसील तो याद नहीं रही, पूछा कि हजरत ये बताइए कि ये बात सुन्नत का ज्यादा करीब है या ज्यादा करीब, ये तरीका ज्यादा सुन्नत के करीब है या ये तरीका ज्यादा करीब है। कोई छोटी सी बात थी कि ये तरीका ज्यादा करीब है सुन्नत के या ये तरीका ज्यादा करीब है। तो मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी जैसा जलील उल कदर मुहद्दिस क्या जवाब देता है, उसने कहा कि तुमने मौलाना रशीद अहमद साहब को अमल किस तरह करते हुए देखा है, उसने कहा कि मैंने तो इस तरह देखा है, पर मैं तो सुन्नत ली
सुन्नत के ही अदा कर रही। क्या मतलब है? ये बुजुर्ग ऐसे थे कि उनके अमल को देखकर पता लगाया जा सकता था कि सुन्नत क्या है। जो बात किताबों से मिलती वो इनके अमल से मिलती थी। मैं बड़े दुखे दिल से आजकल कहता हूं मदरसों में भी, यहां अल्हम्दुलिल्लाह अहले मदारिस भी हैं, कि हमारे मदारिस में दीन पढ़ाया तो जा रहा है, सिखाया नहीं जा रहा। ये अलमिया है, दीन पढ़ाया जा रहा है सिखाया नहीं जा रहा। इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे कि कोई स्कूल हो, गाड़ी चलाने का तरीका सिखाता हो, वो क्लास लेता हो, फोटो की मदद से बताता हो कि ये क्लच है, ये गियर है, ये स्टार्टर है, और ये ब्रेक है, और ये फला है और ये फला है, ऐसा करने से यूं होता है, ऐसा करने से यूं होता है, फला बत्ती ऐसे मौके पर जलाते हैं, फला बत्ती ऐसे मौके पर जलाते हैं। ये तरीका उसको सिखा दिया, याद करा दिया, इम्तिहान भी ले लिया उसका, और उसने सब 100% सही तरीका लिख दिया, नंबर भी आला दर्जे के ले लिए, लेकिन गाड़ी चलानी नहीं सिखाई। आप उसकी गाड़ी में बैठ जाएंगे? मैं तो अगर खुदा ना खास्ता जिंदगी का बीमा भी कराया होता, मैं तो ऐसी गाड़ी में नहीं बैठूंगा। आज हमारे हाल भी हो रहा है, इल्ला माशाल्लाह, बाद जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत का काम भी हो रहा है, दीन भी सिखाया जा रहा है। वरना मगर दारुल उलूम देवबंद में तालीम भी थी, तरबियत भी थी, दीन पढ़ाया भी जाता था, सिखाया भी जाता था, जिसका हाल अभी आपने मेरे दादा के अल्फाज में सुना। तो आज नाम तो सुन्नत करे गया है और नाम शरीयत करे गया है, लेकिन अमल की तरबियत बहुत कम हो रही है। एक बात और भी इस जिम्न में जरा समझ लीजिए, जब किसी कोई दाढ़ी वाला होता है, इसमें फला आदमी बड़ा अच्छा है, वो बाशरा है, बाशरा आदमी है, और कभी कहते हैं उम्मत शर्रे। बाशरा का माना क्या? शरीयत पर अमल करने वाला। मुतशर्रे का माना क्या? शरीयत पर अमल करने वाला। तो ऐसा कहने वाले सिर्फ दाढ़ी की बुनियाद पर शरीयत बाशरा कहते हैं उसको, बाशरा यानी दाढ़ी रखता, जिसका मतलब ये कि उन्होंने ये समझ लिया कि सारा दीन मुनहसिर हो गया दाढ़ी में आकर। अगर किसी चोर ने डाकू ने दाढ़ी रख ली तो वो भी बाशरा, और अगर किसी मुत्तकी परहेजगार आदमी सारे ठीक काम करता है, नमाजें रोजे भी, लेकिन एक गुना उससे होता है कि दाढ़ी मुड़वाता है, तो वो बेशरा। तो शरा का सारा मदार दाढ़ी में आकर चिमट गया, पूरा दिन दाढ़ी बनकर रह गई। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सुना। सुन्नत बात, आजकल सुन्नत का मफहूम आम तौर से ये समझा जाता है कि चंद चीजों को समझते हैं, टखनों से ऊंचा पैजामा पहन लो, इमामा बांध लो, दाढ़ी रख लो, मस्जिद में जाते हुए दाया कदम पहले रखो, वापसी में इसके बाद दो टाइप तरह पहनो, ये कर लो, 8, 10, 15, 20 सुन्नतें याद करके समझते हैं कि ये सुन्नत है। हालांकि सुन्नत के माना है तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मतलब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीका का तरीका जिंदगी, आपकी पूरी सीरत तैयबा सुन्नत है। आप अपनी बीवियों से बर्ताव कैसे करते थे, अपनी औलाद से कैसा बर्ताव था, मस्जिद में आप नमाज घर में कैसे पढ़ते थे, मस्जिद में किस तरह पढ़ते थे, अदालत आपने किस तरह की, हुकूमत आपने किस तरह चलाई थी। जब आपका इंतकाल हुआ है तो जजीरा नुमा अरब, जिसमें एक दर्जन से ज्यादा ममालिक और छोटी बड़ी रियासतें हैं, इस पूरे इलाके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत थी। आपने हुकूमत कैसे चलाई, आपने अदालती फैसले किस तरह किए, नमाज में इमामत किस तरह की, दुश्मनों के साथ बर्ताव क्या किया, दोस्तों के साथ आपने क्या बर्ताव किया, छोटों के साथ किया, बड़ों के साथ किया, पूरी जिंदगी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।
हमने चंद चीजों का नाम सुन्नत रख लिया। सुन्नत नाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत तैयबा का, उसको अपना लीजिए। खूब याद रखिए कि आमाल की मकबूलियत, जैसे कि अभी और तकरीरों में भी आपने सुना, मौकूफ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुआफिक होने पर। कोई अमल अगर आप कितना भी नेक अमल कर रहे हो लेकिन अगर वो सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो बेकार है, और छोटा सा अमल अगर है वो सुन्नत के मुताबिक है, इखलास भी है, तरीका भी सुन्नत के मुताबिक है, तो वो कीमती है। इसकी मिसाल आप इस तरह समझें, ब्लैक बोर्ड पर मैं एक कहिंसा बनाता हूं, हिंसा बना दिया, उस हिंसे के दाएं तरफ मैंने एक जीरो लगाया तो एक के कितने हो गए, दस हो गए। एक और जीरो लगा दिया सौ, एक और जीरो लगा दिया हजार, एक और जीरो लगा दिया दस हजार, एक और जीरो लगा दिया लाख करोड़। एक एक जीरो से कितनी बड़ी बड़ी तादाद बढ़ रही है, लेकिन इसी एक के इधर लगाइए जीरो, एक लगाइए, दो लगाइए, कुछ बना तो, और तीसरा भी लगाइए, चौथा बनाइए, कुछ नहीं। जो अमल सुन्नत के मुताबिक है वो है वो जीरो है जो एक के इधर लगा है। थोड़ा सा अमल करोगे एक एक अमल का दस गुना सवाब है, एक एक अमल का दस गुना सवाब है, और सुन्नत के खिलाफ नहीं होगा, सुन्नत के मुआफिक अगर नहीं होगा तो बेकार होगा। कितने भी जीरो लगाते जाइए भाड़ में जाएंगे, वो किसी काम के नहीं है, रद्दी की टोकरी के भी काबिल नहीं। तो मेरी दरखास्त यह है कि सुन्नत इस कॉन्फ्रेंस को सुन्नत का पैगाम बनना चाहिए, इस सीरत सुन्नत कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस को सुन्नत का पैगाम बनना चाहिए, पूरे मुल्क में सुन्नत का पैगाम जाए। इसी सुन्नत का एक तकाजा और है, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है और तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और वो ये कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का काम, यानी तबलीग का काम, चाहे गैर मुस्लिमों में हो या मुसलमानों में हो, उसके अंदर सख्त कलामी या बदजबानी या बदगुमानी ये जायज नहीं है। आज हमारे यहां ये हो रहा है कि बहुत सारे लोग बेचारे बिदअतों में मुब्तला हैं, ना वाकफियत की वजह से इल्म सही नहीं मिला उनको सुन्नत का, तो वो अपने नजदीक सुन्नत नेक्स्ट काम समझकर वो करते हैं, वो बिदअत है। तो वो वही ऐसा ही जीरो है जो एक के बाईं तरफ लगा है जीरो, बिदअत की मिसाल ऐसी है। बेचारे बहुत से हमारे भाई बिदअतों में मुब्तला है, लेकिन होता क्या है उस उन बिदअतों का रद्द करने के लिए जब जो तरीका इख्तियार किया जाता है हमारे बाद भाइयों की तरफ से, वो भी सुन्नत के खिलाफ होता। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि जब किसी को बाज़ नसीहत करो या तबलीग करो या किसी गुनाह से रोकने की बात करो या किसी काम करने की तबलीग तलकीन करो तो नर्म कलामी करो, सख्त कलामी ना करो। सख्त कलामी की इजाजत नहीं है, ये सुन्नत के खिलाफ है। आज हमारे यहां मस्जिदों के अंदर एक नौजवान मुझसे पूछ रहा था अभी लंदन में एक तकरीर के बाद कि साहब फलाम वाले साहब यूं कहते हैं, फलाम वाले साहब यूं कहते हैं, हम क्या करें। ठीक है, उसका तो जवाब आसान है कि भाई जिस आलिम पर तुम्हें ज्यादा एतमाद हो उसके मुताबिक अमल करो। पूछ रहे थे कुछ मसला पूछ रहे थे, लेकिन होता क्या है
जगह जगह एक मस्जिद में जाते हैं तो वो सुनने में आता है कि फला मस्जिद वाले जो है वो काफिर है मुशरिक, दूसरी मस्जिद में जाते हैं तो वहां पता चलता है कि पहली मस्जिद वाले काफिर थे मुशरिक। नौजवान समझता है कि दोनों ही काफिर। ये वाकया मैं देख रहा हूं, लोगों में कंफ्यूजन है, इस्लाम की वजह से बेचैनी है। बहुत सारे नौजवान बेचैनी का इजहार करके हमसे मिलते हैं, हमें खुतूत भी लिखते हैं, फोन भी करते हैं, वहां भी मिलते हैं आकर, परेशान है इस सूरत हाल से। बिदअतें बिलाशुबा बहुत ही मजमूम चीज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में जाएगी। लेकिन हमारे भाई जो इस बिदअतों में मुब्तला है उसका इलाज लड़ाई झगड़ा नहीं है, याद रखिए, उनको बुरा भला कहना नहीं है, उसका इलाज बल्कि मुनाज़राबाजी भी नहीं है। जिस तरीके की मुनाज़राबाजी आमतौर से मालूम है लोगों में आज, हमारे वालिद माजिद मुफ्ती आजम पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बिदत जुल्मत है, तारीकी है, अंधेरा है, और सुन्नत नूर है, उजाला है, रोशनी है। अगर किसी तारीकी को, अंधेरे को आप हटाना चाहें लाठियां मार मार कर, लाठी टूट जाएगी, अंधेरा नहीं जाएगा। गालियां देकर उसको हटाना चाहें, लाख गालियां देने वो हटेगा नहीं, लाख दलीलें देते वो नहीं हटेगा। अगर आप उस तारीकी को मिटाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो एक काम कर लो, वो आसान है, वो बेकार नहीं जाएगा। जितनी रोशनी तुमसे मुमकिन हो उतनी रोशनी कर दो, अंधेरे की मजाल नहीं कि मारे सके। जहां तक वो रोशनी पहुंचेगी अंधेरा वहां से गायब हो जाएगा, अंधेरा रोशनी का मुकाबला कर ही नहीं सकता, कभी मुकाबला नहीं कर सकता। अगर आपके पास कुछ और नहीं है तो दिया सराय जला लीजिए तो थोड़े से हिस्से से तारीकी हट जाएगी, मोमबत्ती जला लीजिए और दूर तक तारीकी हट जाएगी, और अब तो लंबी लंबी बड़ी बड़ी रोशनियां हैं वो कर दीजिए तो और मीलों तक तारीकी हट जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप किसी बिदत को मिटाना चाहते हैं तो उसका रास्ता यह नहीं है कि उनसे लड़ाई झगड़ा किया जाए, उनकी बदजुबानी की जाए, उनके दिलों उनको और नफरत पैदा की जाए, बल्कि उसका तरीका यह है कि सुन्नत को जिंदा करें। बिदत को अगर मिटाना चाहते हैं तो सुन्नतों को जिंदा कीजिए, अपनी जिंदगी के तमाम आमाल में, इस अमल में भी, गुनाहों को मिटाने के लिए भी तो सुन्नत का तरीका है। अगर आप गुनाहों को मिटाना चाहते हैं तो सुन्नत पर अमल करना पड़ेगा, तो बिदअतों को मिटाना चाहते हैं तो उसका रास्ता यही है कि आप सुन्नतों को जिंदा कीजिए, अपने अमल को सुन्नत के मुताबिक कीजिए, लोग आपके अमल को देख देख कर पहचाने कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, ये इस्लाम का पैरोकार है। आप वरना आप लाख दलीलें देंगे अपनी मस्जिदों के अंदर, वो उससे ज्यादा दलीलें लोगों को दे देंगे, चाहे वो कच्ची हो या पक्की, कैसी भी दलीलें हो वो देंगे, लेकिन दलीलों का सिलसिला चलता रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बिदअतों का सद्यभाव हो तो सुन्नतों को जिंदा कीजिए, इंशाअल्लाह ताला रफ्ता रफ्ता सुन्नत जिंदा होती चली जाएगी। तो इस सूरत को, इस कॉन्फ्रेंस को सुन्नत के इहया का पैगाम बनना चाहिए, और भी जो कॉन्फ्रेंसें हों उसमें यह पैगाम दिया जाए। तमाम मसालिक के मुसलमान हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं। गलतफहमी हो जाती है, बाद लोगों को गलतफहमी हो गई है तो उनको सही रास्ता बताएं, अगर माने तो ठीक है, न माने तो उनके हवाले आपका फरीदा खत्म होगी।
आप जरा गौर फरमाए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब फिरौन की के पास इस्लाम का पैगाम और दीन का पैगाम देकर भेजा जाने लगा, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम भी थे और बताया कि किस तरह तबलीग करोगे तुम जाकर। फरमाया कि वकूल लहु कौलन लयनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा। तुम उस फिरौन से जब जाकर बात करो, दीन का पैगाम पहुंचाओ, तो उससे बातें नरम करना, सख्त कलामी न करना, सख्त बात ना करना, ताकि वो नसीहत हासिल करे और उसके दिल में खौफ खुदा का खौफ पैदा हो। मालूम हुआ कि अगर नरम कलामी की जाएगी तब तो ये उम्मीद की जा सकती है कोई शख्स नसीहत हासिल कर ले और अल्लाह से डर जाए, लेकिन सख्त कलामी की जाएगी तो क्या होगा, वो जिद पर आमादा हो जाएगी। तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हम मूसा और हारून से ज्यादा बड़े मुसलेह नहीं हैं और हमारे मुखातब फिरौन से ज्यादा गुमराह नहीं हैं। जब फिरौन के मुकाबले में सख्त कलामी की इजाजत नहीं दी गई अब मूसा और हारून को, तो हमें अपने मुखातबीन के साथ सख्त कलामी की इजाजत कैसे होगी। अगर सख्त कलामी रुक जाए तो अपना काम कीजिए, मान लेते हैं तो आपने फरीदा पूरा अदा कर दिया और नहीं मानते तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। खुलासा यह है कि जहां तक इख्तलाफ राय का ताल्लुक है, इख्तलाफ राय को हुआ करता है जो जिन ऐसे मसाइल जहां कोई हतमी बात कतई ना हो और एक से ज्यादा एहतमाल हो, तो अगर समझदार लोग होंगे और दयानतदार भी होंगे तो इख्तलाफ राय तो होगा, लेकिन दुश्मनी और अदावत तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस को अगर इसका पैगाम बना दिया जाए और अपने तमाम मसलक के भाइयों को इसकी तरफ दावत दी जाए और उनको भी बुलाया जाए, उनके ऐसे उनके जो अगर वो कोई ऐसे इज्तिमात करें इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन की बुनियाद पर, तो उसमें हम लोग भी जाएं, इससे इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ खराबियां दूर होकर हक का बोलबाला होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें इन मारूजात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरी सेहत पूरी तरह ठीक नहीं है, बात पूरी बातें मैं कर नहीं सका, फिर कभी इंशाअल्लाह किसी और मौके पर कुछ और बातें अर्ज करूँगा। आपसे दरख्वास्त है कि मेरी सेहत के लिए दुआ फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انصرنا على القوم الكافرين يا الله يا رحمن يا رحيم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما اگلے پچھلے سب گناہوں کو چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری تمام بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما یا اللہ ہمارے سارے بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیا ہمارے سارے محفوظ بھائیوں اور بہنوں کو آسانی سے ادا کروا دی یا اللہ ہمارے تمام بھائیوں جو بھائی روزگار بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار فرصتوں والا برکتوں والا عطا فرما دیا یا اللہ ہم سے جس نے دعا کے لیے کہا ہے ہوتا ہے ان کے تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے کرم سے پوری کر یا اللہ مسلمانان عالم کی عبادت فرما یا اللہ مسلمانان عالم کی اداروں کی عبادت فرما مساجد کی عبادت فرما یا ارحم الراحمین ہمارے سب کے ایمانوں کی عبادت فرما ہمارے نسلوں کی ایمانوں کی عبادت فرما یا ارحم الراحمین جانت خدا کو دین و دنیا راتوں میں تقریب ترقی عطا فرما ان کے کاموں میں قدم قدم پر رہنمائی فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم
हमें हर शर से महफूज रखिए। اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الفور، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد.